जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर्स देखना है, क्या सारी चीजें देखना है, उसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हमारा व्यू होना चाहिए, क्या हमारा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग्स एंड इसमें थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है, उसी के लिए मेरा एक प्योर, और अगर आप एक ट्रेडर है तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो इसी चैनल इसी वीडियो के आखिर में आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसे भी जाके चेक कीजिएगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर के लिए बात करूं तो पेशेंस इज अ की फॉर इन्वेस्टमेंट एंड गुड रिटर्न्स इज थॉट बाय मी एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द मोटो ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो को हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से हमें इंडिकेटर्स की जरूरत होगी, क्या टाइम फ्रेम पे हमें लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मिड टर्म के लिए इंडिकेटर्स एंड कौन से इंडिकेटर्स को यूज करना है, स्कैनर्स को यूज करना है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ मार्केट के मूड माहौल को कैसे चेक किया जाए, कब करना चाहिए, राइट टाइम क्या होता है, कब बॉटम बनने की तैयारी होती है, बहुत सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये मेरा एक वीडियो है जो कि इसी चैनल पे आई बटन पे मिल जाएगा, थंब रूल्स फॉर बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जाइए उसे जाकर चेक कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में या फिर कल के दिन या इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा हाउ टू मेक योर सेटअप, राइट, उसके ऊपर भी जाइएगा, उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पेशेंस, राइट, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। अब पेशेंस के साथ साथ मार्केट को आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मूड माहौल क्या है। देखिए, मार्केट में निफ्टी में अगर हम बात करें, निफ्टी एक मदर इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स बीएसई की बात करें सेंसेक्स की, तो इनमें कुछ चुनिंदा कंपनी है जो कि पूरे इंडियन मार्केट को छोकर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर ये गिर रही है तो सारी कंपनी पूरा मार्केट गिर रहा होगा, नहीं, अगर ये गिर रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे होंगे, कुछ सेक्टर्स ऊपर भी जा रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपका व्यू मिड टर्म के लिए कुछ समय के लिए है तो आपको उस सेक्टर्स को एनालिसिस करना आना चाहिए, उसको पहचानना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म पे आप बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जगह से प्रॉफिट, उसमें भी आपको सेक्टर जानना होगा कि कौन से सेक्टर के दिन आने वाले, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट के यहाँ टॉप पे कुछ बाय कर रहे हैं, बॉटम पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, रिटेल टॉप पे बाय करके फंस जाता है, फिर उसके बाद उसे कई दिनों तक मौका नहीं मिलता है, और जब मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है तो सबसे पहले जो टॉप पे फंसा है वो ही निकलता है, क्योंकि उसका स्टॉक्स 20-40-50-60% करेक्ट कर चुका होता है, लाइक जोमेटो, पेटीएम, एलआईसी एंड ऑल अदर्स जिन्होंने आईपीओ लिया। तो जिन्हें नॉलेज नहीं होता है या फिर जो थोड़ा सा जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं होता है वो पैसा फंसा देते हैं, और फिर दैट्स इट, आप जानती हैं। एंड बहुत सारी जैसे कि पेस्टिसाइड इंडिया पेस्टिसाइड ऐसे और भी कंपनी से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग टॉप पे खरीद के फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सही जगह से इन्वेस्टमेंट करना है तो सही जगह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको गूगल पे जाके लिखना होगा फियर मार्केट मूड इंडेक्स। अगर आप इसे लिखेंगे मार्केट मूड इंडेक्स इंडिया गूगल पे लिख दीजिए तो आपको सबसे पहले एक साइट निकलेगी जिसका नाम आएगा टिकर टेप, राइट। तो टिकर टेप आपको बहुत सारी जानकारियां देती है, ये फ्री में आप जाके यहाँ पे बना सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं, राइट। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं और डिटेल में किस तरीके से, तो मेरा हर संडे के दिन वेबिनार रहता है, फीस टू मच लिटिल बिट, तो जाइए जाकर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आपको बहुत सारा फायदा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, लैपटॉप साथ में बहुत सारी चीजें भी साथ में सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दैट इज शोइंग कि मार्केट अभी एक्सट्रीमली ग्रिड। तो आपने वॉरेन बफेट सर का क्योटो सुना होगा कि जब सब लोग ग्रीडी हो तब इन्वेस्टर को फियरफुल होना चाहिए, यानी अपने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, सीधी सी बात है। और जब सब फियर में हो, सब डरे हुए लोग हो, तब इन्वेस्टर के लिए गुड टाइम होता है बाय करने का, चीप प्राइस पे स्टॉक्स मिलते हैं, तब खरीदिए सही समय पे सही स्टॉक्स को। अब कैसे, जैसे अभी सपोज आप देखेंगे कि निफ्टी इतना गिर रहा था, इसके साथ ही इतना चढ़ा, इसी में एक सेक्टर ऐसा है जैसे एफएमसीजी, तो एफएमसीजी में मैं आपके सामने लूंगा एक विटामिन जो कि मैं कई दिनों से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था। देखिए उसने क्या किया यहाँ पे, साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं या पार्ट टाइम का भी रख रहे हैं
तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर्स का नाम बता रहा हूँ, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में जाइएगा एंड यहां पर जाकर यहां जाकर आपको इसकी सेटिंग में एडिट करना है। एडिट में जाके ये 9 पीरियड का जो लेंथ है इसको करना है 200 स्टाइल। आप चाहे तो इसे डार्क कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा, एज यू विश, राइट। एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो ये हमने लगा लिया एक बेहतरीन इंडिकेटर टूल जिसका नाम है 200 EMA। आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। जब भी स्ट्रोक्स वीकली टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है, इसके ऊपर निकलता है, इसके आसपास नहीं, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसके नीचे अगर कोई स्टॉक चले गया वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसकी मिट्टी प्लीत कैसे होती है, कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, किस स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो पैसे लगाने वाले अगर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम नियर 200 EMA अबाउट, राइट। सेक्टर, और अगर आपका व्यू मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का है तो आपका व्यू भी इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। तो सेक्टर कौन सा है, अब देखिए मैं आपको कई दिनों से, बहुत ज्यादा दिन हुई है ये, आप देखिए 20-25 दिन की बात है, यहाँ से इसके नीचे आया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस नीचे आया, फिर इस पे, तो अभी ये स्टॉक्स, अब अगर इसका लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो इसका रिसेंट हाई कई दिनों से, अगर आप देखेंगे इसको तो ये कई दिनों से स्टॉक्स अपने हाई जो है इसका 4000 इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। इसने एक बार किया था 2021 में लेकिन टिक नहीं पाया, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा इसके लिए। सीधी सी बात है, अगर ये स्टॉक्स अगर आप 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड ऑफ इसे लेते तो आपका पहला टारगेट ये निकलना होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, 3200 रुपए का स्टॉक्स, समथिंग 3200-3300 रुपए का स्टॉक्स, मैंने इसे 3300 पे सजेस्ट किया था, 3200 का एसएल था हमारा, एंड अभी 4000 3800 यानी 600 पॉइंट समथिंग हमने ग्रेट किया सिर्फ एक या दो महीने के अंदर, राइट। आप चाहे तो मेरा पास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपको 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब भी इसके पास आता है ये हमेशा स्टॉक्स को ऊपर उछाल देगा, राइट। अब कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं। देखिए जो नेगेटिव स्टॉक्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। देखिए इसने 2018 में 2017-18 के पहले 1400 रुपए का स्टॉक्स था, 1400, that time when it is close 200 EMA and was below 200 EMA, then right now you can see, ठीक है, मार्केट इतना उठा लेकिन ये इसके पास नहीं आ पाया, आता है और बार बार गिर जाता है, राइट। इसके अभी ऑल टाइम लो के पास जा चुका है, 900-900 rupees, ये ऊपर जाएगा अगर मार्केट जाएगा तो, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड में ही है। तो सीधी सी बात है, जब तक इसके ऊपर टिके नहीं हो जाए तब तक बाय नहीं करना। दूसरी चीज, फंडामेंटल्स का सबसे अच्छा रूल्स ये होता है कि अगर कोई सा भी स्टॉक्स, कोई सा भी XYZ स्टॉक्स अगर अपने रिसेंट हाई का 50% या 60% जो 61% से ज्यादा रिट्रेस कर चुका हो, उस स्टॉक्स में कभी भी पैसा नहीं डालना चाहिए। बताता हूं, जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम इज अ गुड कंपनी राइट नाउ, बट व्हाई यू शुड अवॉइड टू डिस्टर्ब। देखिए इसका प्राइस था, सीधी सी बात है, 2000 रुपए, यहां पर मेजर कर लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये 73% टूट चुका है, राइट। 1443 रुपए का इसका माइनस हो चुका है। तो सीधी सी बात है, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। 2000 रुपए का स्टॉक्स था इसका, ज्यादा ज्यादा अगर 900 रुपए पे टिक जाता, राइट, तो यहाँ पे आपको इस पर थोड़ा सा सोचना था, क्योंकि अब इसका कोई डाटा नहीं है वीकली इस पे, तो इसको हम अवॉइड करेंगे अभी, राइट।
ऐसे स्टॉक्स को। अब मैं आपको एक प्रेजेंट टाइम आज के लिए एक बेहतरीन अच्छा स्टॉक्स देखे जा रहा हूँ जहां पे आप सोच सकते हैं। टेक महिंद्रा देखिए कैसे स्टॉक्स को देखा जाता है। अभी हमने सिर्फ एक बात की, एक इंडिकेटर की बात की, अगर कोई सा भी स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के आसपास मिले तो उसे बाय करना चाहिए। 2000 का स्टॉक्स था, 1000 रुपए आ गए, अभी भी इसमें टाइम बचा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जब भी ये स्टॉक्स, ये इसका रिसेंट हाई यानी 1075-1060 के ऊपर क्रॉस करे एंड इसके ऊपर होल्ड करे तब आपको इसको बाय करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फियर एंड ग्रीड, क्योंकि टेक महिंद्रा देखिए आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, तो आईटी स्टॉक्स की बजाय आपको इसमें देखना है। अभी देखिए स्टॉक्स अभी जो प्रेजेंट टाइम पे सेक्टर चल रहा है वो सेक्टर चल रहा है, सीधी सी बात है। इसके साथ हम और भी टिकट ऐप पे जाके इसका फंडामेंटल चेक करेंगे और बहुत सारी चीजें चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे मारुति की, ऑटो सेक्टर में भी चल रहा है मारुति सुजुकी इंडिया, राइट। अब ये स्टॉक्स कई दिनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, यहां से इसके ऊपर निकल पा रहा था, 10,000 का इसका हाई है, इसके नीचे भी गया लेकिन लोगों ने इसे नहीं खरीदा उस समय। अभी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसके नीचे 200 ईएमए के नीचे चलेंगे। अब यहां से देखिए कई दिनों से मैं यही से इसको दे रहा था, उसके बाद ये कितना प्यारा गया है और इसके अपने ऑल टाइम हाई के पास है 9000। अब जैसे ही अपना ये हाई क्रॉस करेगा 2000 ये वाला, राइट, इसके बाद आपको बाय कर लेना है। इसका अगला टारगेट यहां से भी 10,000 है यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट। और अगर ये जिस दिन भी इसको 10,000 के पॉइंट को क्रॉस करेगा यकीन मानिए ये स्टॉक्स कम से कम 20,000-30,000 आपको आने वाले 2 साल में चले जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेक्टर कौन सा देख रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बात की थी ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया के लिए मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा। हमने टिकट ऐप पे जाके देख लिया कि भाई ये है, लेकिन हमने देखा कि अभी एफएमसीजी सेक्टर्स चल रहा है तो एफएमसीजी में हम ऐसे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं सिर्फ मिड टर्म के लिए। अब हम गए टिकट ऐप पे, सॉरी स्क्रीनर पे जाके हमने चेक किया कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स और कुछ नहीं। प्रोस में क्या है, इक्विटी ये वो, यहाँ पे हमें देखना है कि आप प्लेजिंग हो रही है क्या स्टॉक्स में। तो देखिए स्टॉक्स हेल्थी डिविडेंड दे रहा है, पे आउट 117% इसका डिविडेंड है कुछ लास्ट ईयर का, राइट, मेंटेन कर रहा है ये ओवरऑल बताया इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने सेल्स ग्रोथ इसकी डाउन, सीधी सी बात है सेल्स ग्रोथ इसकी अभी बढ़ रही होगी, अच्छा हो रहा होगा तभी जाके ये स्टॉक्स बढ़ रहा है। FII में किसी ने अपनी पोजीशंस कम किए रिटेल ने या प्रोमोटर ने, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नीचे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न। FII ने 2019 में 15% थी, 2022 में 16% हो गई। DII 13% थी, 8% हो गई। पब्लिक का पैसा भी 24%, तो सीधी सी बात है। लेकिन FII प्रोमोटर्स ने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी लिटिल बिट कम की, बट वो ज्यादा टेंशन वाली बात थी। अब चलिए बात करते हैं, जैसे हमने दूसरा स्टॉक देखा मारुति, चलिए मारुति को चेक कर लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे उसी के बाद टेक महिंद्रा, फिर हम टिकट टेप पे चलेंगे, टिकट टेप पे भी जाके और कुछ जानकारियां चेक करेंगे। देखिए इसमें प्रोस क्या बता रहा, कंपनी हैज रिड्यूस डेबिट ऑलमोस्ट डेबिट फ्री गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट कंपटीशन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड प्रोस गुड है। और उसमें क्या स्टॉक इज ट्रेडिंग, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी अर्निंग, ये सारी चीजें पॉजिटिव में ही आती है। भाई बिक नहीं रही थी, अब गाड़ियां बिकेगी तभी तो ऊपर बढ़ रहा है ना, कहीं ना कहीं पैसा आ रहा होगा, सीधी सी बात है, FII पैसा डाल रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा होगा। FII की बात करें, प्रोमोटर्स 56 पॉइंट थे, प्रोमोटर ने अपनी पोजिशन बढ़ाई है, जो कंपनी का मालिक अपनी पोजिशन बढ़ा रहा है मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज। FII ने थोड़ी सी पोजीशंस डाउन की, DII ने पोजीशंस अपनी बढ़ाई है, यानी सीधी सी बात है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ अच्छा लग रहा है। और पब्लिक देखिए जब अच्छा स्टॉक्स आता है ना तो निकल जाते, आगे समझ 2019 से अभी तक पब्लिक निकल चुकी है,
स्टॉक्स अपर है, राइट। अब हम चलते हैं सेम यहां पर, यहां पर जाके हम चेक करेंगे मारुति। तो ये भी वही बताएगी मारुति सिक्योरिटीज क्लियर, यहाँ पे भी वो बेसिक चीजें मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो मेन टिकर टाइप का मिल जाएगा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे एनालिसिस से सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, 76% इन्वेस्टर्स इसको सजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अ गुड, मतलब आप अपना पैसा लगा सकते हैं, राइट। एंड देखिए एग्जैक्टली जब मारुति उसके ऊपर भी मैं डिटेल करूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म में मिड टर्म में किस तरीके से कहाँ लगाना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिविडेंड रिटर्न्स एंड ऑल अदर्स थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू गुड इन दिस कंपनी, एंड नाउ यू कैन चेक यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं हो रहा है, प्रमोटर्स अपने होल्डिंग पीएचडी किए, दैट इज अ गुड। यहाँ पे आपको नो रेड फ्लैग देखना है, सब सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, राइट। आपको सिर्फ इसमें दो ही चीजें देखना है कि क्या लोग इसे सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सजेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड, यानी सारे साइन अच्छे। ब्रिटानिया का चेक कर लेते हैं, टेक महिंद्रा का चेक करते हैं। देखिए ये स्टॉक्स अभी मे भी आपके सामने एंड हम स्टॉक्स का चेक कर रहे हैं। टेक महिंद्रा भी 200 ईएमए के आसपास काम कर रहा है, तो टेक महिंद्रा का क्या चल रहा है अभी ये भी हमें पूरा बता देगा क्या फ्यूचर में क्या। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स प्रॉफिट, सीधी सी बात है अभी टेक महिंद्रा की अच्छी वो नहीं चल रहा है, राइट। सेल्स ग्रोथ कमजोर है इसकी वजह से स्टॉक्स गिर रहा है, दैट इज अ गुड, राइट। एफआईआईडीआई देख लेते हैं, FII जहां प्रोमोटर्स 35% था वो 35% ये लिटिल बिट इन्होंने डाउन करिए, FII 37 से 30 हो गए, DII 14 से 20 हो गए। गवर्नमेंट का भी है इसमें, सबसे अच्छी बात है पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक ने भी बढ़ाया, अदर्स ने, राइट। तो सीधी सी बात है इट इज अ गुड स्टॉक्स इन ऑल अदर सिनेरियो। टेक महिंद्रा को यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए अभी 68% फोरकास्ट रेटिंग आ रही है, Above of 70-80 होगा, that was अभी से कुछ लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ डाल लो डीप पे आएगा तो बाय करना, that is a good stocks, कोई रेड फ्लैग नहीं है, सब कुछ everything is okay, right? तो ऐसे स्टॉक्स को आपको बाय करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। ये कब उड़ जाता है पता नहीं चलता। देखिए मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, स्टॉक्स अपना 20% काम 80% काम 20 एक दिन में कर देता है। यहाँ पे ये एक कैंडल दिख रही होगी आप, ये तो वीकली है, डेली लेके चलता हूं। देखिए स्टॉक्स कई दिनों से एक ही रेंज में था और एक ही दिन में इतना बड़ा मूल है, कहां से 3800 से 4200 400 कल परसों मार्केट गिरा था हल्का सा। ये अर्निंग 21 जुलाई को 22 जुलाई के दिन बूम ऊपर हो गया, समझ रहे हैं आप, यानी जो स्टॉक्स कई कई दिनों से नहीं कर पा रहा था कब से एक रेट में काम कर रहा है स्टॉक्स। ये स्टॉक्स एक ही रेंज में काम कर रहा है जून जुलाई से, राइट, और उस जुलाई की रेंज को एक ही दिन में ने कर दिया ब्रेक, एक दिन का रिटर्न है ये। अब अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये डीप आप इसके अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसके बाद ये निकल जाएगा, और अगर ये निकलता है तो आपको इस पे बाय करना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट दे उसके बाद उसे रिटेस्ट करे ऊपर चढ़े तब बाय कीजिए, दैट इज अ गुड चॉइस। अमूर क्या बोल ये बोल सकते, ये हो गया हमारा, हम
हमारे पास कुछ स्क्रीनर भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अगर हमें मल्टीपेगर फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम हमारे पास कुछ स्क्रीनर भी है जहां से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम जाके चेक कर लेंगे वहां पर। मिड टर्म के लिए भी हमारे पास ये इस तरीके से बहुत सारे आ जाते हैं हमारे स्क्रीनर। देखना चाहते हैं किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा स्टॉक्स कब लेना चाहिए, किस तरीके से, तो बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, ब्रेकआउट पे बाय कीजिए, फिर डीप पे बाय कीजिए नियर 200 EM, या फिर किसी भी स्टॉक्स का अगर 50-60% से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो जाए तो उसको अवॉइड कीजिए सीधी सी बात। अभी एक स्टॉक्स और लेते हैं, जस्ट डायल, इसका नाम चलता है, सडनली चेक कर रहा हूँ, मुझे भी इसका पता नहीं है। लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स मानते हैं, मेरे कई सारे मित्र इसमें ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं देख ये स्टॉक्स एक समय इसकी प्राइस हुआ करती थी 2000, ये 200 EMA के ऊपर निकला कोविड के बाद, लेकिन टिक नहीं पाया कि नीचे आ गया। सीधी सी बात है, कोविड टाइम पे 300-400 तक चले गया। तो स्टॉक्स बढ़िया है बट बहुत बढ़िया नहीं है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में बाय करना हो तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर निकलने दीजिए, टिकने दीजिए, फिर बाय कीजिए। जस्ट डायल का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, क्यों कंपनी इतनी गिर रही है। कंपनीज ऑलमोस्ट डबल थ्रू द कंपनीज रिपीटिंग रिपीटेड प्रॉफिट पेइंग आउट डिविडेंड पेइंग पुअर सेल्स ग्रोथ 5 साल से टैक्स रेट सीम्स लो कंपनीज नो रिटर्न ऑन इक्विटी 40 करोड़ नॉट टू बैड टू मच। प्रोमोटर्स ने अपनी पोजिशन बढ़ाई है, गुड, अच्छा साइन है। प्रोमोटर्स ने अपनी पोजिशन बढ़ाई, देखते भी हेजिंग प्लेजिंग तो नहीं कर रहे। FII ने अपनी पोजिशंस पूरी घटा दी, 52% से लगा के 2% आ गए, इसलिए स्टॉक्स गिर रहा है, फ्यूचर में बढ़ सकता है। DII ने अपनी पोजिशंस 8% से घटा के, कुछ तो गड़बड़ है दया, पब्लिक ने पैसा बढ़ाया है, पब्लिक और प्रमोटर संभाले हुए हैं, FII DII से निकल चुके हैं। चलिए भाई चलते हैं हम वापस टिकर टेप, टिकर क्या सजेस्ट कर रहा है इसको। Just dial 565 because 3.1%. Only 60% people are suggesting more at play. Dividend ही दे रही है बस, बाकी ठीक है। मतलब ऐसे स्टॉक्स में आप कर सकते हो, लेकिन कब, जब इसके ऊपर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस स्टॉक्स का कितना परसेंट गिरने पर उसे अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे बाय करना चाहिए। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, और अगर आप ट्रेडर है तो वो वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वो वीडियो। आई होप ये वीडियो भी आपके काम आया होगा, काम आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही, तब के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय मां भारती। और हाँ, सेटअप वाला वीडियो जल्दी ही इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, जाके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।